Realme X लॉन्च हो गया फाइनली चाइना के अंदर। और ये जो फोन मतलब लॉन्च हुआ है गाइस, इतना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ मैं। बोलूंगा एक ही बात कहूंगा वीडियो चालू करने से पहले कि प्लीज डोंट बाय Realme 3 Pro नाउ, बिकॉज Realme 3 Pro अब इसके सामने कुछ नहीं है। तो मैं बोलूंगा प्लीज Realme 3 Pro को मत बाय करना, और इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में यही बात करेंगे, इंडियन प्राइस में कैसा लॉन्च होगा, इंडियन स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट सब बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो पूरा देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आपका भाई ऐसे दिन में दो दो वीडियो लाता रहता है। तो उस दिन का देखा जाके जरूर देख लेना। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सच में जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, वरना अनबॉक्सिंग रिव्यूज देखे, मैं बहुत खुश हो गया, बिकॉज इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन, हर चीज एकदम टिप टॉप बनाया गया है। बट हाँ, कुछ जो चीजें थी हमने एक्सपेक्ट की थी वो उसमें नहीं मिली, बट हाँ, बट इट्स आई थिंक फोन बहुत ही लाजवाब देखने मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं इसके इंडियन लॉन्च के बारे में। तो ये बोला जा रहा है कि मई के एंड या जून के स्टार्टिंग में डेफिनेटली जून में आपको फोन इंडिया में मिलने वाला है। तो मैं बोलूंगा वेट कर लो, बहुत किंग ऑफ फोन आने वाला है, ठीक है, वेट जरूर से कर लेना, ठीक है। और प्राइस की मैंने बात करता हूँ तो वहां पे साढ़े नहीं 15,300 रुपए करीब पड़ता है 4GB 64GB वाला, और 6GB RAM और 64GB पड़ता है अराउंडली 17,000 रुपए, नहीं 16,000 रुपए करीब। फिर आपको जो 8GB RAM 128 मिलता है वो 18,300 रुपए पड़ता है। तो जो स्पेसिफिकेशन और प्राइस जो रखी है वो बहुत ही इंप्रेसिव, वो बहुत अच्छी मुझे लगी है। चलिए आते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन जो आप फोन लिए आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हो डिज़ाइन के मामले में, गाइस यहाँ पे जो है भाई वो हमें पोली कार्बोनेटी की इस बार भी यूज़ दी गई है, और डिज़ाइन वही देखने मिलने वाला है। हाँ, डिज़ाइन आप देखेंगे तो थोड़ा अच्छा नया कलर भी दिया हुआ है वाइट वाला, एंड मगर फिनिशिंग वही है पोली कार्बोनेट की। तो डिज़ाइन के मामले में कोई चेंज माफिक नहीं है, वैसे डिज़ाइन मिलेगा। डिस्प्ले में आते हैं, जो मेरा फेवरेट फीचर है और हमने भी एक्सपेक्ट भी किया था, वो हमें मिल भी गया है। यहाँ पे मिलने वाला है 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। हाँ गाइज, इसका जो डिस्प्ले है वो लाजवाब है, बहुत ही प्यारा डिस्प्ले इस बार मतलब रियलमी ने इस बार दिया है। नो नॉच, नथिंग, IPS पैनल मिलता है आप लोगों को रियलमी के प्रो में, मगर यहाँ पे फुल HD प्लस प्लस एमोलेड और नो नॉच। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप इस फोन का वेट करें और रियलमी 3 प्रो को मत बाय करना मेरे भाइयों। बहुत ही लाजवाब डिस्प्ले है, मेरा फेवरेट फीचर, और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, रिव्यूअर जो इन्हें टेस्ट किए हैं, बोले जा रहा है बहुत अच्छा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा वेट ज़रूर से कर लो इस फोन के लिए, बहुत ही लाजवाब, मेरा फेवरेट फीचर मैंने बोल दिया इसका फ़ोन का डिस्प्ले है। तो एक अच्छा सा मैसिव डिस्प्ले मिल जाएगा आपको इस फोन के अंदर। चलिए अब आते हैं परफॉर्मेंस में। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसमें हमें 730 का प्रोसेसर मिलेगा, मगर नहीं यार, यहाँ पे इस बार मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर। हाँ गाइस, ये जो प्रोसेसर है मेरे हिसाब से 15,000 रुपये के प्राइस में भी देखेंगे तो ये प्रोसेसर एक अच्छा जम जाता है, बिकॉज 15,000 रुपये में आप 730 मांग रहे हो तो आई थिंक थोड़ा एक्सपेक्ट ज़्यादा हो जा रहा है, बिकॉज फोन में उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं, उन्हें बहुत सारे कैमरा दिया है, डिस्प्ले अच्छा दिया है, एमोलेड पैनल दिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 15,000 से स्नैपड्रैगन 710 एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। हाँ थोड़ा पुराना है, बट आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज आपका ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए बात करते हैं इसके कैमराज में, बिकॉज यहाँ पे हमें डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था वही कैमरा आया है। रियर में आता हूँ तो यहाँ पर आपको 48 MP का कैमरा मिलेगा सोनी के 586 सेंसर के साथ, प्लस यहाँ पे हमें 5 MP का डेप्थ सेंसर भी मिलने वाला है। तो रियर का कैमरा बहुत लाजवाब होने वाला है। Redmi Note 7 Pro जैसा ही सेम आर्टिस्ट उन्होंने दे दिया है कैमरा, तो मुझे तो रियर का कैमरा को ज़्यादा ही पसंद आया। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इसका कैमरा कैसा लगा। सेल्फी में आता हूँ, पॉपअप सेल्फी मिलने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है आपको Realme 3 Pro में। घटिया सी वाटर ड्रॉप नॉच जो बोरिंग लगती है, मगर इसमें पॉपअप सेल्फी मिलती है, और इसमें बोला गया है 2,00,000 बार आप इसको ऊपर नीचे कर लो, कुछ नहीं होने वाला, तो आराम से 2-3 साल तो आपका लाइफ है पॉपअप की। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, उसमें आपको 16 MP की सेल्फी देखने मिलने वाली है। तो यार बहुत से लोग बोलेंगे कि 16 MP अरमान भाई ऐसे ही होगा मतलब, तो यार 16 MP नहीं मेरे भाई, जो OnePlus 7 Pro में जो सेंसर है वही सेंसर यहाँ भी यूज़ किया गया है, सोनी का 5471 कुछ सेंसर है वो वाला। तो भाई बहुत ही बढ़िया सेंसर यूज़ किया है, 16 MP की सेल्फी बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस कर रही है। मैंने जितनी भी सैम्पल्स देखे हैं, किसी की दाढ़ी भी है ना तो वो एकदम अच्छे से कैप्चर कर रही है। तो सेल्फी वाइज ये भी बहुत ही बढ़िया फ़ोन ये होने वाला है। बैटरी की अगर बात करता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ 3765 mAh टाइप बैटरी मिलेगी, यहाँ पे दिख जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बैटरी भी मैसिव दी गई है, डिस्प्ले भी अच्छा है, कैमरास भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और हाँ मैं आपको बता दूँ, Realme ने पहली बार यहाँ पे फ़ोन में अंदर टाइप सी दे दिया है, जो बहुत ही बड़ी बात है, और लोग इस चीज़ का बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहे थे। तो बैटरी भी मैसिव मिल रही है, टाइप सी भी मिलेगा, वो चार्ज 3 पॉइंट का भी सपोर्ट है। तो ये फ़ोन एक बहुत प्रीमियम और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, और मैं तो बस इंडिया में वेट कर रहा हूँ ये फ़ोन कब आएगा। बहुत ही बढ़िया है यार Realme 3 Pro, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ मत लेना, सब फ़ोन मत लेना। Xiaomi A3 और इसको हम कंपेयर करेंगे, आपको बताएंगे कौन, मुझे लगता है Xiaomi A3 से बेटर फ़ोन ये है। वहाँ पे तो मैं नॉच मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी नॉच नहीं है, और 15,000 रुपये में बेजल लेस फ़ोन मिलना बहुत ही मुश्किल है।
यूआई में आ जाता हूँ लास्ट में, तो एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, कलर वाइज के साथ ये रन करेगा, 6 कलर वाइज के साथ रन करेगा। गाइस ये है पूरा मतलब रियलमी एक्स, और मुझे मेरे हिसाब से ये जो फोन है ये इंडिया के अंदर 15,000 में भी आप नहीं करते, 17,000 में भी ये फोन लॉन्च करते उसका बेस वेरिएंट डेफिनेटली इंडियन मार्केट में बहुत ही किल मचा देगा, धमाका मचा देगा। एंड आई थिंक अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग इस फोन का वेट करने वाले हो कि नहीं। मैं तो भाई बेसब्री से इस फोन का इंतजार करूंगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना आप लोग करने वाले हो कि नहीं। मैं तो बहुत देरी से, बहुत अच्छा फोन होने वाला है। और लास्ट वर्ड बता दूं, देखते हैं उसका प्राइस क्या होता है इंडिया के अंदर और जल्दी से आपको जून में मिल जाए। बस गई आज का बस यही बताया, आप लोग आज का वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि दिन में यार ऐसे दो दो वीडियो मिस कर रहे हो आप टेक से रिलेटेड। और रियलमी एक्स यार क्या फोन होने वाला है यार, बहुत सारे इसके ऊपर अभी आएंगे वीडियो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।